आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी क्या होता है? जब आप एक मिरर को देखते हैं या शीशे को देखते हैं तो आप खुद दिखाई देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब मैथमेटिक्स में यही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली चीज तो यह है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए, डायमेंशन आर और सी की एक जैसी होनी चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ये देखेंगे कि वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे मैं आपसे ये लिखता हूं, तो ये डायगनल है, ये डायगनल है, तो डायगनल के सारे मेंबर वन होने चाहिए। ठीक है जी, सारे मेंबर वन और बाकी सारे जीरो। जैसे अगर 3/3 को लिखना चाहें तो क्या होगा, यहां वन रखिए, यहां वन रखिए, यहां वन रखिए, बाकी जगह सब जगह जीरो कर दीजिए, तो डायगनल में क्या हो गया आपका वन आ गया। तो डायगनल में वन हो बाकी सब जीरो हो, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3/3 बता दिया मैंने आपको, ये 2/2 हो गया। अगर आपको केवल 1/1 लिखना है, केवल एक कॉन्टेंट हो उसमें, तो केवल ये वन हो जाएगा, वन बाय वन, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने का एक और तरीका है कि मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि भाई जिस तरीके से कोई भी नंबर आप ले लीजिए मैथमेटिक्स में और उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, करके देखिए 3.8 इंटू 1 क्या आता है, 2/3 इंटू 1 क्या आता है, 5 इंटू 1 क्या आता है, हर केस में आपको ये एक्चुअल नंबर ही वापस आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल वेव है, मतलब जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा है। क्या मैट्रिक्स में ऐसा कोई नंबर है जो इस वन का काम करें कि भाई जब भी आप मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को इस नंबर से या इस मैट्रिक्स से, तब यही वापस आ जाए? तो उसी को हम कहते हैं आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, यहां पर आई और ए है, तब मैं आई और ए और ए और आई को मल्टीप्लाई करूंगा। ये करते हैं पहले, ये आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया ए और आई को, ए क्या है, ए बी सी डी, कोई भी नंबर भी ले सकते हैं आप, है ना, कोई नंबर भी ले सकते हैं। अब इसका रिजल्ट देखिएगा, 1001, इसमें क्या होता है, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए इंटू वन, ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहां क्या आएगा, ए इंटू, देखिए ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू वन। अब दूसरी रो को पहले रो से करेंगे, सी इंटू वन प्लस डी इंटू जीरो, यहां क्या आएगा, सी इंटू जीरो प्लस डी इंटू वन, ये क्या बना, जहां जहां जीरो उसको हटा दीजिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचा, ए, यहां पर आया बी, यहां आपका आया सी, यहां डी। तो आप देख रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई करने पर यही चीज आ गई वापिस, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप आई इंटू ए बी करेंगे, इसको पहले रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आपका यही वापस आ जाएगा, इसीलिए हम इस आई को कह रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो आपने देखा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे ए आई करे, चाहे आई ए करे, किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए इस ए पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये वापस अपने आप आ जाएगा।